किसी काबे के अंदर दरवाजा खोलो तो अंदर जाते थे जो लोग अंदर यू ओपन होता है सारे के दौर तक यू ओपन होता है। ये जरा काबे के खिलाफ और इसकी धागे काबे के अंदर 300 नहीं तो ये इसके मॉडल है कि तकरीबन 8-9 मीटर है लंबाई इसकी। ये सऊदी अरब का काफी लिबास मैंने पहन लिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अकरम यासीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अकरम यासीन। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम जा रहे हैं एक म्यूज़ियम में और ये म्यूज़ियम मक्का से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। ये म्यूज़ियम तो है वैसे बहुत पुराना, लेकिन कोविड की वजह से ये बंद हो गया हुआ था और अभी ये दोबारा रीओपन हो गया है और आजकल ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस म्यूज़ियम का नाम है मतहफ अबू बकर अल अमूदी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर एक रक्शा रखा हुआ है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन टायर पंचर हुए हैं इसके। और यहाँ के इंतज़ामिया में यहाँ के इंचार्ज हैं नईम भाई, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आज हमें इन्होंने इनवाइट किया था। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे जहाँ गिलाफ़े काबा और दूसरी मालूमात है। ये सारी उसके खजूर के दरख्तों के बने हैं, ये खजूर के पत्तों से बनाते हैं। हाँ, चिटाई वगैरह जो चीज़ें भी होती हैं जी जी सब खजूर के द्वारा पत्तों से बनाते हैं। तो आप कौन से शामदूर के तेजी से मारा बोले तो अभी आपको चीज़ें दिखाएंगे, मुझे कराएंगे अभी देख लेते हैं। ये जो है ना वो सामने वाला ये सपा मोरवा पुराना जो सपा मोरवा थी ना ऐसे उसके अंदर वो दरवाजे ये बाहर जो है बाजार बाजार थे। देखो ये वो जो टोकरी बच्चे ने उठाई ना ये भी खजूर की जिससे बना थी, ये भी खजूर से खजूर से बना। अरे ये काफे का पुराना गेट। हाँ ये जी काफे के अंदर दरवाजा खोलो तो अंदर जाते थे जो लोग अंदर ये ओपन होता था खालिद के दौर तक। ये ओपन मैंने खालिद के दौर में ये ओपन होता ये लिखा है जी जी ये सफा मरवा पहले इस तरह होता था ये जो है ना तवाफ करते ना बिल्कुल गरीब में जो है मिट्टी पड़ी है और जहाँ से जूते उतार के गरीब में से जाते गरीब बिल्कुल गरीब। और ये जो है ना बारिश हुई सैलाब आई। ये तो बहुत फेमस पिक्चर है। और ये जो है ना ये मलिक फैसल की है। इसमें चमचों का पानी हरम में इस्तेमाल होता है। ये बर्तन मिट्टी के ये तो भी बाहर मार्केट से भी मिलते हैं। ये वाला ये जो है ना जमारात शेताम कंगरे माते हैं ना बिल्कुल ही में जमाते हैं। और वो ऊपर वाला नए वाला अभी का ये है लेटेस्ट जो है ये मकाम है इनकी चाबी मकाम एक रहे इनकी चाबी मॉडर्न शेयर। ये जो है काबिश अंदर सो खिला तो कपड़ा लगा था ना बिल्कुल बिल्कुल फिर बाद में नीले लगा जैसे। अच्छा अभी का ये है लेकिन पहले ये रेड कलर में आता अंदर में अंदर में और अभी ये है ये जरा काबे के खिलाफ और इसकी धागे रेशम धागे से लाइक पहले रेशम धागे से लाइक करते अभी सोना चांदी से। और ये जरा काबे के ताला का मॉडल। अच्छा ये मॉडल है ओरिजिनल नहीं है। और ये हजार सौ के कवर हजार सौ के कवर पहले ये तांबे के थे। पहले तांबे का। ये जरा काबे से जो मकान रहे यहाँ से मिंबर खुतबा देते थे। बिल्कुल। और ये मक्का मस्जिद बिलाल रबा
बचपन में हम लोगों ने देखी थी ये रहा आपका बनाना और यहाँ पे है जमजम का कुआं जमजम का कुआं पता है नीचे जाते जी जी इसको क्रॉस कर दिया ये मकाम इब्राहिम है और पीछे जो है ना इमामों की जगह मकाम शाफी हनफी मालिक की हम्बली और यार मिंबर पत्थर पहले से अभी ख़त्म हो गया मकाम इब्राहिम का ये जो है ना तवाफ के लिए इस्तेमाल करेंगे अभी ये वाली चेयर ख़त्म हो गई अभी तो जदीद आ गई है इलेक्ट्रॉनिक पहले ये वाले होते थे ये तवाफ के लिए इस्तेमाल ये हमने देखा होगा फिर बाद में ये व्हीलचेयर आई सब हमारा ये व्हीलचेयर ये तलवार है और ये जो तलवार है ना अली बिन अबी तालिब ने देता है इस्तेमाल जिल पप्पा इसके लिए अभी इसमें के लिए ये लिबास पुलिस का किसी को किसास करना है उसकी गर्दन उतार देते थे इसके लिए ये जो है ना ये पहले पुलिस वाले से लिबास करते थे और ये बंदूक के ये चीज़ और ये जो है ना ये इसको जरा बोलते लड़ाई में ये इस्तेमाल जंगों में पुराने और डाल होते थे साथ में डाल बड़े बड़े डाल होते थे और ये नेजे नेजे और तीरों की लड़ाई होती जी जी ये मतफा है इसको मतफा कहते हैं और ये टैंक एक नमूना होते हैं ना जैसे ये जो है रमजान में जो है ना इसके फायरिंग करते हैं पता चल जाए रोज़ा रोज़े इफ्तार के लिए और सुबह सहरी के वक्त ये इस्तेमाल किया जाता है एक वो मॉडल ये मॉडल ये जो है ना ये चांदी का भी इस्तेमाल करते हैं लेडीज पहले जो चांदी इस्तेमाल करते पहले जो चांदी इस्तेमाल करते मरजान और ये चीज़ इस्तेमाल करते थे पहले जो ये इस्तेमाल करते ये अभी काबे गिला में ना अभी सोना चांदी से जी जी पहले ये वाला तो पहले देखो पहले जो है ना काफ़ी लोग जो है जैसे आम होते हैं वो दागू से सिलाई करते हैं दिखाई करते हैं अभी भारी सोना चांदी से खालिस सोना चांदी सोना और चांदी सोना देखो चांदी ये मॉडल है ये मॉडल है हाँ वो जो सामने ना ये जो ये जो ये पहले बैठो ये पुराना ताला यहाँ चाबी लगी है बहुत वजनी ताला है ये एक टाइपिंग मशीन है पुरानी पुराने वक़्त की और ये एक वीडियो सिनेमा जो इस दौर में इस किस्म की मशीन इस्तेमाल की जाती थी और यहाँ पर एक ये झूला है बच्चों का और ये लालटेन पुरानी घड़ी रेडियो इट्स अमेजिंग ज़बरदस्त मज़ा आ गया यार देखने का ये मेरा छोटा भाई है मेरा कज़न काशिफ अली अब ये सऊदी बन गया क्या बात है जी छा गए काशी जी तो जी नाज़रीन अभी ये सऊदी अरब का काफ़ी लिबास मैंने पहन लिया ठीक है पहले वाला इगाल जो है ना वो ये इस तरह का छोर आता था अभी जो है ना वो ब्लैक कलर में आता है गोल वाला ठीक है
अच्छा, ये कॉस्ट्यूम पहनने के बाद अर्तुगुल गाजी ड्रामे वाली फीलिंग आ गई है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ी सी शोशा मार लूँ। और बढ़ते हैं हम लोग अगली तरफ। यहाँ पर कुछ सिक्के पड़े हैं पुराने वक़्त के, जो करेंसी उस दौर में इस्तेमाल की जाती थी। ये वो वाली है जो उस दौर में इस्तेमाल की जाती थी। ये पहले इस तरह पाकिस्तान में भी इसी तरह पढ़ाया जाता था, और यहाँ पर भी ये तख्तियाँ लिखी जाती थी। जी ये खेल वो शतरंज, और ये खेल जी। नाज़रीन ये किस किस को याद है बचपन में, अगर किसी ने खेला तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा। पुराने टेलीफोन। ये वाले टेलीफोन और ये वाले तो मैंने खुद भी यूज़ किए हुए हैं। ये अभी किस किस को याद आया तो मुझे ज़रूर बताइए। दब बजाते थे म्यूजिक, म्यूजिक बजाने के लिए। ये फिरौन की डमी बनाई गई है यहाँ पर, लेकिन असल तो मिस्र में इजिप्ट में पड़ा है। और इस तरफ यहाँ पर यहाँ पर ये पियानो बजाने की एक नाकाम कोशिश, शाहकार आपके सामने है। ये पहले ऐसे लिबास में थी, पहले अच्छा पहले इस तरह के लिबास में। हाँ ये इनका बेटा की। अच्छा अच्छा ये जो मीटिंग रूम फिर इनके से। नाज़रीन अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ आउटडोर, और यहाँ देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अच्छा ये नीचे जो है ना, ये चटाई जो है ना, ये भी उसी की बनी हुई है ना। यहाँ पर जो है ना ये तलवारें हैं, वो धूप है। अच्छा नीचे स्टोर है ये, उसके ऊपर लिखा भी हुआ मखजन। जा सकते हैं अच्छा कच्ची खजूरें इसमें रखते थे पकने के लिए। ये तोलेंगे तराजू। और ये पानी वाली मशकीज, मशकीज पानी की।
पहले जो घर बनाते थे ना जी, वो सब मिट्टी मिक्स करके ना ऐसे मिट्टी के ब्लॉक बना के फिर ऐसे दीवार लगा के, तो हमारा ये जो म्यूजियम बनाया है ये भी तकरीबन हमने मिट्टी के बनाए हुए और लकड़ी और पत्थर और मिट्टी के ब्लॉक ये सारे बनाए हुए हैं, मिट्टी से बनाए और ये लस्सी है पानी के लिए, लस्सी भी इसमें वो लोग बनाते थे और पानी दोनों चीज़ का जी जी। और ये बच्चों को बच्चों का खिलौना चाहिए पुराने पुराने वक्त का। ये अरब की सकाफत है, ये किचन अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। ये नीचे पुराने बर्तन रखे हुए हैं पुराने स्टाइल के, और ये गैस वाला चूल्हा भी एक पकाला जो है ना पकाला, ये पुराने स्टाइल का पकाला। और ये पाकिस्तान में अभी भी है इसी तरह, ये अरब में ख़त्म हुई बिल्कुल, ये पुराने पेप्सी के डब्बे पुराने स्टाइल के, और डेन हिल के सिगरेट भी पड़े हैं पुराने स्टाइल में, और ये देसी घी वाले डब्बे पुराने कोको कोला का। ये लोहार का काम है ना, दो अल्लाह ताला की ताकत है, फिर बांधे तरीके से बनाते हैं। ये गावे ये चीज़ इस्तेमाल करने बैठे तो बैठे पुराने दौर में इसमें चाय बनती होती थी, और मुझे भी अभी भी याद है बचपन में ये गाहवा शाही इसी में ये वाले स्टाइल होते थे, तो लेटेस्ट हो गया इस दौर की पुराने दौर की ये कॉफ़ी शॉप थी। ये पंखे पाकिस्तान में भी है, और ये जो है ना पुलिस के शोर तक ये जो है ये जो है ना फिर वो बताएं वो चटाई वगैरह बनाते थे ना खजूर के पत्तों से जी, फिर बाद में जो है ना ऐसे बनाना शुरू कर दिया, ये जो है ना कालीन वगैरह जो स्टार्टिंग हुई है ना तो ऐसे बनाते थे, ये चीज़ों से बनाते थे लेडीज धागे से बनाते थे सारा धागे किस तरह के बर्तन है बर्तन इस्तेमाल करते थे पहले से बर्तन ये चीज़ इस्तेमाल करते थे। और पहले जो है ना वो मैचन होती थी जी, उसके बाद फिर ये चक्की आई, चक्की चलाना शुरू हो गई चक्की, ये जो है ना ये आरंभ में ना पहले जो पत्थर थे बड़े बड़े पत्थर होते थे उसमें कलमे लिखे थे ला इला इल्ला अल्लाह मोहम्मद, यहाँ पे ये जो है काबे के अंदर तीन सुतून है ना जी, काबे के अंदर तीन सुतून है, तो ये इसके मॉडल है, ये तकरीबन 8 मीटर है लंबाई इसकी, ये जो है सब हमारा जाली सब हमारा ऐसी जाली होती है, और ये जमजम का पानी के ऊपर रखी हुई है जमजम का पानी के ऊपर, और ये पत्थर भी इस्तेमाल कर रहे हैं अरम, और ये कब्र की तख्ती उस पर लिखाई करते रहते हैं कब्र की तख्ती, ये स्पीकर है, फिर बाद में जो है ना फिर वो पत्थरों पर लिखे थे ना
दरबार में मार्बल पे लिखना है, मार्बल लिखा है मलक खालिद मलक सबक के दरवाजे में, ये भी हरम में इस्तेमाल होता है, ये किला। और वो जो सामने है ये कुरबानी मीनार में जो कुरबानी करते हैं ना, ऐसे बांस टांग के कुरबानी करते हैं मीनार पहले दौर में, इस तरीके से कुरबानी करते हैं। और ये जो है ना देग वगैरह जो पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं बड़े बड़े देगों से, हाजी लोगों को खाना भी खिलाते हैं, इसे देग बनाए। ये खेमा, ये अरब की सखाफत का खेमा जो लगा दिया मीनार में, जो खेमा ये पहले पहले खेमा ये सस्ता होता है, हर जगह पे खेमा लगा रहे हैं। अभी जो बाहर जाते हैं ना तो ये खेमा इस्तेमाल है, ये जो घोड़े के ऊपर रखते थे ये ऊंट के ऊपर रखते हैं, इमाम भी चार पाएंगे। लकड़ी काटने के लिए दो बंदे पकड़ते हैं उधर से इधर से इस्तेमाल करते हैं, ये जो है ना इनका बैठक मंजर तेल हड़प है ऐसे मंजर, ये जो लकड़ी ऊपर ना ये बेल के ऊपर ये खजूर के ऊपर और टहने लगाए हुए लकड़ी लगे ऊपर से, ये नीचे जो है ना बेल का दाख लकड़ी। ये जेल है, ये जेल के बाद पहले ये मालूम इसे बनाया होता था इसके ऊपर कजूर के ऊपर चढ़ने के लिए। ये देखो मैंने आपको बताया था जी जी, ये पहले इस्तेमाल करते सामान वगैरह ले जाने के लिए, आने के लिए ऐसे बनाया, ये कमर में बांधा जाता था ना, कमर में बांध के इस तरफ ये बंदर टांग वगैरह इसे इसे टांगते फिर खजूर उतारते थे, खजूर उतारने के। चल ये देखो ये दूसरे मजदूर ये भी खजूरों के दरख्त से बना है, ये सारा सामान है ये सारे बनाए से। और ये जो है बर्तन बनाने का मिट्टी के बर्तन बना देगा इससे अच्छा। और ये चीज़ है कोड़े मारने के लिए, कोड़े मारते हैं ऐसे कोड़े मारते हैं, ये सारे चमड़े के बनाते हैं चमड़े। फिर बाद में रस्सी के लिए पानी के लिए फिर ये इस्तेमाल होता है, ये जो है ना सफा मरवा के दरवाजे, ये वाला गेट सफा मरवा का ये ओरिजिनल है या मॉडर्न है? ये ओरिजिनल है। और ये जो है जाली सफा मरवा की, ये ओरिजिनल नहीं लिखी ओरिजिनल, ये डमी है। ये डेट पकाते थे मीना में आज वो खाना खिलाने के लिए ये सिस्टम है। ये तंदूर है मेरे ख्याल से रोटियां बनाने के लिए, ये
हाँ जी ओके रह गया था। तो आज का हमारा व्लॉग यहाँ पर अख्ताम पज़ीर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 100 साल पुरानी रवायत और सकाफत नज़र आई होगी इसमें, इस व्लॉग में। तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में। याद आया क्या क्या किस किस को याद आ रहा है? पाकिस्तान में तो भी है या तो नहीं, यहाँ के लिए ये अनोखी चीज़ रह गई है। अभी तो पानी सिर्फ बोतलों में मिलेगा, इस तरह नहीं मिलेगा।